नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज एक सिंपल सी कोकोनट मैकरून रेसिपी शेयर करूंगी। ये कोकोनट मैकरून्स बाहर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको केवल तीन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पहला है बारीक कसा हुआ नारियल या नारियल का पाउडर, दूसरा 4 बड़े चम्मच चीनी और तीसरा 1 अंडा। सबसे पहले अंडे में से सफ़ेद और पीला हिस्सा अलग कर लेते हैं। मैं इस अंडे को इस छेद वाली करछी के ऊपर फोड़ दूंगी और 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। इससे अंडे का सफ़ेद हिस्सा अपने आप से अलग हो जाता है। अब इस सफ़ेद हिस्से को अच्छे से फेंट लेते हैं। ये तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छा स्टिफ ना हो जाए। एक बारी जब ये फिट जाता है तो इसमें हम नारियल का बुरादा और चीनी दोनों डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको कोकोनट मैकरून्स ज़्यादा मीठे पसंद हैं तो आप इसमें 4 चम्मच के बजाय 5 टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं। यदि ये मिक्सचर आपको ड्राई लगे तो इसमें हम 1 टीस्पून दूध भी डाल सकते हैं। हमें ये मिक्सचर गीला नहीं चाहिए, बस ये अपनी शेप होल्ड करने लायक होना चाहिए। इसे अब 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे नारियल थोड़ा अंदर तक भीग जाएगा और दूसरा उसमें मिठास अच्छे से आ जाएगी। कोकोनट मैकरून शेप करने के लिए आप या तो हाथ से या फिर आइसक्रीम स्कूप से ये कुकीज़ को बना सकते हैं। एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर ले लेते हैं और उसके ऊपर अब इन कोकोनट मैकरून्स को धीरे धीरे कर डाल देते हैं। अब हम इनको 160 डिग्री पर 18 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। आप इनको 15 मिनट बाद एक बारी चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ये नीचे से बहुत ज़्यादा पक जाते हैं जबकि ऊपर से इनमें कलर चेंज नहीं हुआ होता। बेक होने के बाद ये हल्के गोल्डन दिखेंगे। बेक होने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए और अब आप इनको अपने चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं